ये तो हम सब जानते हैं कि बिग बॉस में हर साल कपल बनते हैं और ये बात घर में आने वाले सभी कंटेस्टेंट्स भी जानते हैं, इसलिए वो घर में आने से पहले मेंटली प्रिपेयर होकर आते हैं कि अगर कुछ नहीं चलेगा तो वो लव एंगल शुरू कर देंगे, फिर चाहे उन्हें फेक ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि इससे उनका दोनों तरफ से ही फ़ायदा हो जाता है। घर में रहकर लोगों के वोट्स मिल जाते हैं क्योंकि सभी लव एंगल में एंगल देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, और घर से निकलने के बाद ऐसे कपल उनको काफ़ी कम मिलने लगता है, तो लव एंगल चलाना मतलब दोनों हाथ में लड्डू होने जैसा है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका और आज मैं आपको बिग बॉस के फेक कपल से मिलवाऊंगी जिन्होंने बस शो में रहने के लिए प्यार में होने का नाटक किया। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इससे आपकी बिग बॉस की काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिंस नरूला और नोरा फतेही बैक टू बैक दो रियलिटी शोज रोडीज़ और स्पिट्सविला जीतने के बाद प्रिंस एक और रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 9 जीतकर अपनी हैट्रिक बनाने के लिए डेस्परेट थे और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, इसलिए उन्होंने पहले युविका चौधरी के साथ प्यार में रहने का शो किया, और जब वो घर से निकल गई तो प्रिंस ने वाइल्ड कार्ड एंट्री नोरा फतेही के साथ प्यार का नाटक शुरू कर दिया और ऑडियंस ने उन दोनों की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया और प्रिंस शो जीत भी गए। पर शो से निकलने के बाद दोनों ऐसे अनजान बने जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इनफैक्ट प्रिंस तो अपने पुराने प्यार युविका के साथ हो गए, जिनके साथ उन्होंने 2018 में शादी भी कर ली। करिश्मा तन्ना और उपेन पटेल ये दोनों कपल बने बिग बॉस सीजन 8 में, और इन दोनों का प्यार स्क्रिप्टेड रोमांस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। दोनों एक्टर्स एक रियलिटी शो में पहली बार मिले और प्यार हो गया। उपेन ने तो करिश्मा को शादी तक के लिए प्रपोज कर दिया था, है ना कितनी अच्छी स्क्रिप्ट। उपेन और करिश्मा ने सही मायनों में बिग बॉस फेम को यूज़ किया। शो ख़त्म होने के बाद ये दोनों कपल कुछ म्यूज़िक वीडियोस में साथ दिखे और फिर एमटीवी लव स्कूल और नच बलिए शो करके दोनों अलग हो गए, और 2022 में करिश्मा ने बिजनेसमैन वरुण बंगेरा से शादी कर ली। तनीषा मुखर्जी और अरमान कोहली काजोल की सगी बहन तनीषा मुखर्जी बिग बॉस 7 में आई थी और उनको शो में एक्टर अरमान कोहली से प्यार हो गया, जैसे बिग बॉस के बाकी कपल्स को होता है, लेकिन शो से निकलते ही दोनों अलग हो गए। आपको बता दूं कि उसी सीजन की कंटेस्टेंट शिल्पा अग्निहोत्री ने एक इंटरव्यू में कहा था कि तनीषा बस गेम में बने रहने के लिए और ऑडियंस सपोर्ट के लिए अरमान को यूज़ कर रही थी बस। शालीन बनौत और टीना दत्ता शालीन और टीना की पहली मुलाकात बिग बॉस सीजन 16 में हुई थी, या एटलीस्ट वो ऐसा ऑडियंस को शो कर रहे हैं। टीना के एटीट्यूड की वजह से टीना का फैन बेस इतना नहीं बना और ये बात वो समझ गई थी, इसलिए उन्होंने शालीन के साथ प्यार का नाटक करने का प्लान किया। पर टीना इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टर नहीं निकली, या यूँ कहो कि या तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है या बहुत ही ज़्यादा डम है, क्योंकि उनका नाटक बहुत क्लियरली ऑडियंस को समझ में आ रहा है और इसी वजह से उन दोनों को मिलता है इंडिया के नेशनल फेक कपल का अवार्ड। अश्मित पटेल और सारा खान अमीषा पटेल के सगे भाई अश्मित पटेल बिग बॉस सीजन 4 में नज़र आए थे, जहां उनके प्यार का एंगल शुरू हुआ सारा खान के साथ। इन दोनों की केमिस्ट्री ने टीआरपी को तो बहुत बढ़ाया, लेकिन इसके साथ साथ उन दोनों को साथ में मूवी भी मिल गई, लेकिन कब तक एक्टिंग करते, दोनों उसके बाद अलग हो गए। गौहर खान और कौशल टंडन आप मानो या ना मानो पर ये दोनों साथ में बड़े क्यूट लगते थे। अपनी यूनिक केमिस्ट्री और लवी डवी एक्शन से नो डाउट इन दोनों ने काफ़ी अटेंशन गेन किया था, लेकिन जैसे ही शो ख़त्म होने को था तो अचानक से इस जोड़ी ने शो में ही ब्रेकअप करके सबको चौंका के रख दिया। लेकिन करिश्मा तन्ना और उपेन पटेल की तरह इन दोनों के पास टीवी की सबसे प्यारी जोड़ी होने का एडवांटेज तो था, जिसकी वजह से गौहर ने बिग बॉस सीजन 7 की ट्रॉफी भी जीत ली। और प्रेजेंट की बात करूं तो गौहर ने 2020 में सोशल मीडिया स्टार जैद दरबार से शादी कर ली थी और अब दोनों जल्द ही अपने घर में एक नन्हे मेहमान का स्वागत करने वाले हैं। राखी सावंत और रितेश राखी जब बिग बॉस सीजन 15 में आई थी तो वो इस बार अकेली नहीं आई,
वो आई रितेश के साथ, जिनको उन्होंने दुनिया के सामने अपना हस्बैंड बताया, जो कहीं ना कहीं सब शुरू से ही समझ गए थे कि फेक है। और शो से निकलते ही दोनों अलग हो गए, और अलग होने का बहाना राखी ने रितेश का ऑलरेडी मैरिड होना बताया। बट ये बात तो राखी कब से जानती थी, बट इसको देखकर ये तो क्लियर है कि कुछ लोग लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मायशा अय्यर और ईशान सहगल। मायशा और ईशान ने बिग बॉस 15 में आकर अपने प्यार के एंगल से काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि इनका प्यार बिग बॉस के इतिहास का सबसे फास्टेस्ट प्यार था और इन्हें एक ही हफ्ते में सच्चा प्यार हो गया था। यहां तक कि ईशान ने तो अपना प्यार सच्चा दिखाने के लिए मायशा से शादी करने तक की बात कर दी थी, लेकिन शो से निकलने के बाद थोड़ा काम साथ में करने के बाद दोनों ने ब्रेकअप अनाउंस कर दिया, और ये कहकर कि वो दोनों कंपैटिबल नहीं हैं। गौतम गुलाटी और डाइंड्रा सोर्स। ये दोनों बिग बॉस 8 में मिले, और दोनों को देखकर साफ साफ दिख रहा था कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन दोनों शो में हमेशा एक दूसरे से चिपके रहते थे एंड फुल ऑन पीडीए करते थे। स्पेशली उनका बाथरूम रोमांस तो कौन ही भूल सकता है, लेकिन शो से निकलते ही या यूँ कहो कि जीतने के बाद गौतम ने तुरंत ये कह दिया कि वो दोनों तो बस एक दोस्त थे। वेरी फनी। सृष्टि रोड़े और रोहित सुचाने। सृष्टि ने बिग बॉस सीजन 12 में रोहित को अपना दोस्त बताया, लेकिन रोहित के एक्शंस तो कुछ और ही कहते थे। रोहित पूरे शो में सृष्टि के साथ फ्लर्ट करते रहते थे और सृष्टि भी उसे फुल एंजॉय करती थी, बट फिर शो से निकलने के बाद सृष्टि के फियांसे ने उनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया, और इसका कारण सृष्टि के रोहित से नज़दीकियाँ बताई थी। गौतम विज और सौंदर्या शर्मा। इन दोनों की मुलाकात बिग बॉस सीजन 16 में हुई थी, और वो दोनों स्पेशली गौतम सरेआम प्यार का नाटक करते हुए पकड़े गए थे, और इसी वजह से वो जल्द ही घर से बेघर हो गए। और उनके जाने के बाद जिस तरह से सौंदर्य खुश नज़र आ रही थी, उससे लोगों को क्लियर हो गया कि उनका प्यार बस गेम में बने रहने के लिए एक प्लानिंग थी। इन कपल्स में से किसके बीच में आप चाहते थे कि काश रियल लव होता और वो अभी भी साथ होते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।